शुरू करें रिवीजन। हाँ सबसे पहले क्या कवर किया था, सबसे पहले क्या कवर किया था? ट्रांजेक्शन। सबसे पहले हमने कवर किया था इवेंट वर्सेस ट्रांजेक्शन, ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस किया था। आवाज ठीक आ रही है? कोई शोर तो नहीं आ रहा है? ओके ओके, थोड़ा एसी आवाज कर रहा था तो मैंने सोचा पूछ लेता हूँ, ठीक है। यह सबसे पहले हमने किया था, आज हम कोशिश करेंगे रिवीजन थोड़ी फास्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि सिलेबस जब बढ़ता जाएगा तो रिवीजन हमें थोड़ी फास्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे एड ऑन होता जाएगा, हमने तो डे वन से रिवाइज करना है सारा, ठीक है, तो डेली हम थोड़ा उसको स्पीड तेज करते जाएंगे और आपकी भी चैट की टेक्स स्पीड तेज होनी चाहिए टेक्स्ट की, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था ट्रांजेक्शन वर्सेज इवेंट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो इवेंट होता है, इवेंट एक इंसिडेंट होता है जो बिजनेस में अक्कर होता है, जिसका बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट पड़े, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, इवेंट। तो जब उस इवेंट को हम मॉनेटरी वैल्यू में डिफाइन कर सकें या मॉनेटरी वैल्यू में उसको डिटरमाइन कर सकें, मेजर कर सकें, तो वो इवेंट हमारा क्या बन जाता है, ट्रांजेक्शन बन जाती है। हमारा इवेंट क्या बन जाता है, ट्रांजेक्शन बन जाती है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, मैंने उधारी पे सामान लिया था तो क्या वो इवेंट है या ट्रांजेक्शन है? उधार पे सामान लिया था क्या इवेंट है या ट्रांजेक्शन है? हाँ ट्रांजेक्शन है, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें वैल्यू डिसाइड हो चुकी हुई है, उसमें वैल्यू डिसाइड हो चुकी है, नो मैटर कि कैश का इनफ्लो हुआ है या आउटफ्लो हुआ है, दैट डजंट मैटर। और इसी को कॉरेस्पॉन्ड करती हुई एक हमने कंसेप्ट पढ़ा, उसको हम क्या बोलते हैं, हमने एक कंसेप्ट पढ़ा जिसमें कैश का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं देखा जाता, बल्कि ट्रांजेक्शन हो गई हो और मॉनेटरी वैल्यू डिटरमाइन हो गया हो तो हम उसको कंसिडर कर लेते हैं, यस, ठीक है। एक्रूअल कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट देखो, ऐसे ही रिविजन करेंगे, एक से दूसरी जगह कुछ उठा लेंगे ताकि एक सीक्वेंस में बेशक ना हो एक, लेकिन हर चीज कवर हो जाए, ठीक है। हाँ एक्रूअल कंसेप्ट हमने पढ़ा, जिसमें हमें ट्रांजेक्शन का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं देखना है, बल्कि सिर्फ ये देखना है कि क्या वो ट्रांजेक्शन हो चुकी है कि नहीं हो चुकी, ठीक है, नो मैटर कि पेमेंट और रिसिप्ट उसकी उस पीरियड में फॉल करती है कि नहीं करती, ठीक है। उसके बाद हमने वैल्यूएशंस के दो कंसेप्ट पढ़े थे, जो हमें बताते हैं कि हमने वैल्यूएशन किस हिसाब से करनी है। वो दो कंसेप्ट कौन कौन से हैं, वैल्यूएशन बेस्ड कंसेप्ट? बोलो बोलो, वैल्यूएशन बेस्ड कंसेप्ट कौन कौन से हैं? बोल नहीं रहे? रियलाइजेशन दूसरा, या कॉस्ट एंड रियलाइजेशन। कैश क्या है? हाँ कॉस्ट, एक हाथ होता है कॉस्ट कंसेप्ट और दूसरा होता है रियलाइजेशन कंसेप्ट, ठीक है। कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि आपको वैल्यू ऑफ एसेट किस पे रिकॉर्ड करनी है, हिस्टोरिकल वैल्यू, यस। और हिस्टोरिकल वैल्यू का एक और नाम क्या दिया हुआ उन्होंने, हिस्टोरिकल कॉस्ट, यस, एक्विजिशन कॉस्ट भी कहते हैं उसको कभी कभी, ठीक है, या यस दीक्षा, एक्विजिशन कॉस्ट, ठीक है, या एक्विजिशन, ठीक है। उसके बाद हमने रियलाइजेशन कंसेप्ट में एक रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट सीखा था कि जब रियलाइजेशन होगी तो रिवैल्यूएशन भी होगी, और जब रिवैल्यूएशन करके एसेट की वैल्यू अगर इंक्रीमेंट होगी यानी कि अप्रिशिएट होगी यानी कि बढ़ेगी, तो उसको हम किस नाम से बुलाएंगे, यस मोहम्मद, कॉस्ट एनालाइजेशन हिस्टोरिकल, अपवर्ड रिवोल्यूशन बोलेंगे, मार्कअप बोल सकते हैं, ठीक है। अपवर्ड रिवोल्यूशन जब होएगी
तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसमें जो एक्सेस अमाउंट आएगी उसको एक स्पेसिफिक वर्ड बताया था वो क्या होएगी, उसको हम बोलेंगे अनरियलाइज्ड गेन, उसको हम क्या बोलेंगे, अनरियलाइज्ड गेन बोलेंगे, ठीक है। और अगर उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होएगी, वैल्यू गिर जाएगी, जिसको डाउनवर्ड बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, अनरियलाइज्ड लॉस बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि हमारा कंसेप्ट एक ये कहता है कि आपका जो भी बिजनेस होगा वो एक अनफाइनाइट इनफाइनाइट पीरियड के लिए रन करेगा, ऐसा कौन सा कंसेप्ट था जो ये कहता था? गोइंग कंसर्न, यस, ठीक है, गोइंग कंसर्न ये कहता था, ठीक है। तो एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि अगर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट लगेगा तो फाइनेंशियल इवेल्युएशन भी हमने करनी है, तो फाइनेंशियल इवेल्युएशन किस पीरियड की करनी है वो किसने बताया था हमें? यस, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट ने हमें ये बताया था कि जो गोइंग कंसर्न का इनफाइनाइट पीरियड है उसको आपने एक स्पेसिफिक पीरियड में मेजर करना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। फिर हमने डिस्कस किया था कि कुछ चीजें जो सिग्निफिकेंट है हमने सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करनी है, और जो इनसिग्निफिकेंट आइटम्स है उसको हमने इग्नोर करना है। दैट इज बेस्ड ऑन विच कॉन्सेप्ट? यस, मटेरियलिटी, यस, ठीक है। फिर हमने कहा था कि हमने हमने एक पढ़ा था कि जो बिजनेस का ओनर होता है और बिजनेस का जो बिजनेस खुद होता है वो दोनों डिफर करते हैं, दोनों सेपरेट आइडेंटिटी हैं, ये कौन सा कंसेप्ट कहता है? यस, एंटिटी कंसेप्ट। फिर उसमें हमने पढ़ा था कि जैसे मैंने लेट सपोज 7 लाख अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ इन अकाउंटिंग टर्म्स? और अगर उसी पैसे को मैं बोलूं कि मैंने अपनी कंपनी खोली है, मैंने अपनी कंपनी खोली है, अकेला दुकानदार नहीं है, मैंने कंपनी के फॉर्म में अपना बिजनेस शुरू किया है और उसमें पैसा लगाया है, तो उस कैपिटल को क्या बोलते हैं? नहीं, सलीम, अपने बिजनेस में, यस, शेयर कैपिटल। सलीम, इन्वेस्टमेंट तो दूसरों के बिजनेस में होती है, ठीक है, यस, शेयर कैपिटल, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको कहा था कि मैंने किसी को माल बेचा 2 लाख का, तो उसने मुझे सिर्फ 1 लाख दिया, तो बाकी जो 1 लाख का नुकसान हो गया उसको मैं क्या बोलूंगा? यस, बैड डेट्स, उसको मैं क्या बोलूंगा, बैड डेट्स, वो मेरे डेट क्या हो गए, खराब हो गए, इसलिए उनको मैं क्या बोलता हूँ, बैड डेट्स, ठीक है। फिर मैंने आपको पूछा था कि हमें मेथड ऑफ अकाउंटिंग हर साल सेम मेथड ऑफ अकाउंटिंग लगाना है, ठीक है, ऐसा कौन सा कंसेप्ट कहता है कि सेम मेथड ऑफ अकाउंटिंग लगेगा हर साल? यस, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या कहता है, आपको सेम मेथड ऑफ अकाउंटिंग लगाना है हर साल, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस थे जिन सर्कमस्टेंसेस में आप इनको वायलेट कर सकते हो और नया मेथड अडॉप्ट कर सकते हो। कौन कौन से वो सर्कमस्टेंसेस हैं जहां पे आप इनको वायलेट कर सकते हो, दूसरा मेथड ऑफ अकाउंटिंग लगा सकते हो? यस, प्रोविजन ऑफ लॉ, चेंज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, यस, लॉ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पॉलिसी चेंज, यस, गवर्नमेंट फ्रूटफुल, यस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड फेयर पिक्चर, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, यस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दीक्षा, यस, राइट, ठीक है। तो उसके बाद हमने एक चीज डिस्कस की थी कि हमने जो 1 साल में इनकम रेवेन्यू हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो रेवेन्यू दिखा रहे हैं उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेंसेस हैं वो हमने उसी साल में रिकॉर्ड करने हैं, नो मैटर दे हैव बीन पेड इन द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। मनमीत, यहाँ पे समझ लेना, जैसे मैंने अगर 1 साल में 1 करोड़ का रेवेन्यू बुक किया है, 1 लाख, 1 करोड़ की सेल दिखाई है, तो उस 1 करोड़ की जो सेल को दिखाने के लिए मुझे जो एक्सपेंडिचर हुआ है मुझे वो उसी साल में दिखाना है, नो मैटर वो मुझे अगले साल पे करने होंगे, फिर भी उसी साल मैं रिकॉर्ड करूंगा और उसी साल ही दिखाऊंगा। इसको हम कहते हैं मैचिंग कंसेप्ट। इसको हम क्या बोलते हैं?
मैचिंग कंसेप्ट, ठीक है सर। सेल में एक्सपेंडिचर मत देखो बेटा, जब मैंने आपको, जब मैंने सेल की तो मैंने सेल करने के लिए सेल्समैन भी रखे होंगे, या मैंने माल खरीदा भी होगा, तो बेशक जो मैंने माल खरीदा है मैं उसकी पेमेंट अगले साल कर रहा हूँ, लेकिन मैंने उसकी सेल तो कर दी है, तो उस रेवेन्यू को कमाने के लिए वो बेशक एक्सपेंडिचर जो मेरा हुआ है वो मैं उसी साल में रिकॉर्ड करूंगा, नहीं कि दूसरे साल में रिकॉर्ड करूंगा जब वो एक्चुअली में पे हुए होंगे, ठीक है। यस ठीक है ना, वो भी काउंट करने जो उसके कॉरेस्पॉन्ड, जैसे आप कोई काम करते हो तो उसको, उस काम करने के लिए आपको उसका कोई खर्चा करना पड़ता है, बेशक आप उस खर्चे को बाद में पे करोगे, लेकिन आपको उसको उसी समय रिकॉर्ड करना है जिस साल आपने उसकी इनकम कमाई है। यस ओवरहेड कॉस्ट, यस एग्जैक्टली, इट कैन बी एनीथिंग, एनी टाइप ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अब आप बोलोगे आपने उधार पे माल लिया और आपने उसको नगद बेचा, एक एग्जाम्पल सुनो सारे, ठीक है। मैंने उधार पे सामान खरीदा और उसको नगद बेचा, मेरे पास बताओ जिसको मैंने बेचा उससे पैसे आगे आए कि नहीं आए, नगद बेचा नगद इन कैश, सब कह रहे हैं आगे, ठीक है। अब मुझे बताओ मैं उसको सेल मानूंगा कि नहीं मानूंगा, सेल मानूंगा। अगर मैं उधार पे बेचता तब भी सेल मांगता कि नहीं मानता, तब भी मानता, यस ठीक है। अब मुझे बताओ वो तो मैंने नगद से कैश सेल ले ली, मैंने उसको बुक्स में दिखा दिया, अब क्या जो मैंने उधार पे सामान लिया है वो परचेज दिखाऊंगा कि नहीं दिखाऊंगा? बिल्कुल दिखाऊंगा। वही मैचिंग कहता है कि अगर आपने वो परचेज अगर नगद में नहीं भी की हो और सेल नगद में भी कर ली हो तो फिर भी आपको वो दिखाना है, नो मैटर उस परचेज की पेमेंट अगले साल हो रही है, तो हो गया ना समवट इक्वलेंट टू एक्रूवल कंसेप्ट, ठीक है ना। यस एक्रूवल जैसा, इसीलिए तो मैंने कहा था इट इज एज सेम एज एक्रूवल, बट वो बताता है कि आपको मैचिंग करनी है उसी साल में, तो कंसेप्ट वो अलग हो गया। और अक्रूवल ये कभी नहीं कहता कि मैचिंग करनी है, अक्रूवल सिर्फ ये कहता है कि आपने वो खर्चा किया, आपने वो इनकम कमाई, आपको उसको ले लेना। ठीक है हाँ। उसके बाद हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि जब बैंक कोई, हम बैंक से अगर कोई लोन लेते हैं तो वो हमेशा कोई सिक्योरिटी लेते हैं हमसे, लेकिन जब हम अपने फादर या अपने रिलेटिव से कोई लोन लेते हैं तो वो कभी कभी सिक्योरिटी नहीं लेते, तो इन दोनों तरह के लोन्स को हम क्या बोलते हैं? अनसिक्योर्ड एंड सिक्योर लोन। यस मनमीत, मॉर्टगेज नहीं पूछा मैंने अभी, अभी नहीं पूछा मैंने। नेचर, नेचर क्या होगी? सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। जो बैंक से लिया है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है दैट इज ऑलवेज सिक्योर्ड, और जो हमने अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या पेरेंट्स से लिया है दैट इज ऑलवेज, दैट कैन बी अनसिक्योर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जब हम बैंक से सिक्योर्ड लोन लेते हैं तो उसको बैंक कुछ क्रिएट करता है, मैं टाइप्स नहीं पूछ रहा, मैं बेसिक पूछ रहा हूँ, वो कुछ क्रिएट करता है, उस पे एनालिसिस करता है, अपना हक जमाता है, उसको हम क्या बोलते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में? यस वेरी गुड, उसको हम क्या बोलते हैं? चार्ज। उसको हम क्या बोलते हैं? बैंक ने हमारे एसेट पे, हमारे एसेट पे क्या क्रिएट किया है? चार्ज क्रिएट किया है। गुड ठीक है। अब मैंने आपको आगे बताया था कि चार्ज काफी तरह के होते हैं, लेकिन हमने सिर्फ अभी दो टर्मिनोलॉजी देखी थी, वो कौन कौन सी थी? वेरी गुड, मॉर्टगेज एंड हाइपोथिकेशन, हाइपोथिकेशन, यस मॉर्टगेज एंड हाइपोथिकेशन। अच्छा मॉर्टगेज, यस वेरी गुड, हाइपोथेटिकल नहीं ऋषि, हाइपोथेटिकल नहीं, हाइपोथिकेशन। अनायत स्पेलिंग के बड़े जबरदस्त लिखे हैं हाइपोथिकेशन में, बहुत बढ़िया। हाइपोथिकेटिकेशन,
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, उधर तो लिखा ही होगा, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा तो मुझे बताओ, इन दोनों की जो डिफरेंसिएशन है, आप किसको मॉर्टगेज बोलोगे और किसको हाइपोथिकेशन बोलोगे, इसके लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर था, उसको क्या बोलेंगे? डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? यस, मूवेबल एसेट एंड इमूवेबल एसेट। तो मूवेबल एसेट कौन सा होगा? जैसे कि मैंने बताया था, कार इज अ मूवेबल एसेट, यस। और इमूवेबल होगी हमारी लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग, अगर चार्ज क्रिएट हो रहा है लैंड एंड बिल्डिंग पे, यस प्रॉपर्टी पे, तो हम उसको क्या बोलेंगे? दैट इज अ मॉर्टगेज। और अगर चार्ज क्रिएट हो रहा है ऑन मूवेबल, यानी कि स्टॉक्स या कोई और कार या कोई व्हीकल, तो उस पे हम उसको बोलेंगे कि हाइपोथिकेशन हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है। फिर मैंने कहा था कि कभी कभी हमारा जब लोन सिक्योर करवाते हैं, हमारा कोई लोन सिक्योर होता है, तो उसमें कभी कभी वो प्राइमरी सिक्योरिटी की बजाय एक और सिक्योरिटी मांगते हैं टू कवर अप दी लोन, उसको हम बोलते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, उसको हम बोलते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। उसको हम क्या बोलते हैं? कोलैटरल सिक्योरिटी। क्या मुझे एक चीज बताओ, क्या कोलैटरल सिक्योरिटी उसी लोन के लिए होती है जो प्राइमरी सिक्योरिटी जिस पे होगी, या दोनों लोन अलग-अलग होते हैं? से उमंग अलग-अलग कैसे होंगे? सेम लोन होना चाहिए। एक लोन पे अगर दो सिक्योरिटीज हैं, तो पहली सिक्योरिटी है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी। और पहली हमेशा कौन सी होती है? जिस चीज के लिए आपने लोन लिया हो। जैसे अगर गाड़ी के लोन के लिए गाड़ी प्राइमरी सिक्योरिटी है, और अगर आपको गाड़ी के लोन के लिए अगर वो कुछ और आपसे मांग रहे हैं, देन इट इज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, दैट अदर थिंग विल बी द कोलैटरल सिक्योरिटी। और अगर मैंने बिजनेस वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लिया है, डेली वर्क, डेली के काम के लिए, तो उस पे वो बेसिकली प्राइमरी क्या रखते हैं? जो आपका स्टॉक है। अगर आपकी केमिस्ट की दुकान है, तो आपका स्टॉक क्या हुआ? आपका स्टॉक हुआ दवाइयां। अगर आपकी फर्नीचर की दुकान है, तो आपके लिए स्टॉक क्या हुआ? फर्नीचर, ठीक है। तो उन केसेस में जो जिस चीज में आप डील करते हो, अगर उसको गिरवी रखा जाए, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी। और अगर उसके अलावा आपसे कुछ लिया जाए, ताकि लोन या कोई और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लोन सिक्योर हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोलैटरल सिक्योरिटी। सर कार लोन में कार सेकेंडरी नहीं है बेटा, प्राइमरी है। गाड़ी का लोन है तो गाड़ी गिरवी, तो गाड़ी प्राइमरी। ठीक है ना? ठीक है, उसके बाद एक हमारा विच कंसेप्ट, कोलैटरल। देखो बेटा, जिस चीज के लिए लोन लिया हो, उसको हम बोलते हैं, जिस चीज के लिए लोन लिया हो, उसको अगर हम गिरवी रखें, उसको हम बोलते हैं वो हमारी क्या है? प्राइमरी सिक्योरिटी है। हमारी क्या है? प्राइमरी सिक्योरिटी। और अगर बैंक को लगे कि उस सिक्योरिटी से आपका लोन कवर अप नहीं हो रहा, मतलब अगर आप कल इस लोन को चुकता नहीं कर पाते हो, तो उसको वसूलने में दिक्कत आ सकती है, तो वो उसके बदले में आपसे कुछ और सिक्योरिटी मांगता है। तो जब वो कुछ और सिक्योरिटी आपसे ले, इन एडिशन सिक्योरिटी, तो उस सिक्योरिटी को हम क्या बोलते हैं? कोलैटरल सिक्योरिटी। उसको क्या बोलते हैं? कोलैटरल सिक्योरिटी, ठीक है। यस, ठीक है। क्या कुछ रह गया है ऐसा जो हमने रिवीजन नहीं किया अभी तक? कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट एक बोलता हूं, आपने फिलअप भरने हैं, ठीक है। कंजर्वेटिज्म स्टेट्स दैट वी डोंट हैव टू एंटिसिपेट डैश एंड प्रोवाइड फॉर ऑल डैश। आपको क्या एंटिसिपेट नहीं करना है, एंड यू हैव प्रोवाइड डैश।
सीक्वेंस में बताना, फिल अप द ब्लैंक्स आए हैं पेपर में। यस जाकिर, वेरी गुड। यस विवेक, यस। इनकम एंड लॉसेस, यस। हाँ बताता हूँ अभी, ठीक है। गुड गुड गुड, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ, हमारे सारे कंसेप्ट्स में से तीन ऐसे कंसेप्ट्स थे जो जिनको हम FAA कहते हैं, यानी कि फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस वो कौन कौन से तीन ऐसे कंसेप्ट है जो हमेशा हम मान के चलते हैं एक बिजनेस में इनकॉर्पोरेटेड होते ही होते हैं। एक्रूअल, गोइंग कंसर्न और कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, एक्रूअल और गोइंग कंसर्न, क्या ये सही है विवेक और मनमीत? दीक्षा, यस। गोइंग कंसर्न, एक्रूअल और कंसिस्टेंसी, ठीक है। यस, GCA से याद नहीं रखना है, पर पता होना चाहिए, सीधे टिप्स पे होना चाहिए। गोइंग कंसर्न, यस, गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं, आज का शुरू करते हैं, ठीक है। कुछ बेसिक टर्म्स और शुरू होंगे आज, ठीक है। आज हम टर्म्स खत्म करके ना नेक्स्ट क्लास में हम जर्नल से शुरू करेंगे अपना, थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट शुरू करेंगे अब, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, एक हमारा हमने मैंने कहा था कि जब हम कोई, गुड इवनिंग अविनाश, कहाँ रह गया था आज? अच्छा मैंने कहा था कि आई एम गुड बेटा, आई एम गुड। अच्छा चाय बना रहा था, बहुत बढ़िया, हमें भी पिला दो। अच्छा मैंने आपको बताया था कि तीन थ्री बेसिस ऑफ थ्री सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, जिस सबसे सबसे पहले हमने पढ़ा था कि एक होता है हमारा एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। बाकी दोनों बताओ कौन कौन से थे। एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंट बताया था, बाकी कौन कौन से थे, सब बताओ सब। यस, एक्रूअल, कैश, हाइब्रिड। यस कैश, एक्रूअल, हाइब्रिड, बहुत बढ़िया। बाकी बाकियों को नहीं पता? यस यस, ठीक है जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। यस यस, राइट राइट। अच्छा ठीक है, मैं आज ना एक सेट ऑफ टर्म्स पे आ रहा हूँ। 1 2 3 4 5 टर्म्स है मेरे पास, ठीक है। सबसे पहला कंसेप्ट एक सिंपल से कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आज हम इसको फटाफट कवर अप करेंगे, ठीक है। अच्छा मुझे आप बताओ कि कॉस्ट क्या होती है। कंसेप्ट नहीं, एज ए जनरल टर्म, कॉस्ट क्या होगी अगर हम उसको अकाउंट्स पे यूज करेंगे, तो व्हाट इज कॉस्ट? कोई भी अगर हम कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हैं जो किसी आर्टिकल या प्रोडक्ट या एक्टिविटी को स्पेसिफाई एट्रीब्यूट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। किसी चीज को बनाने में जो हमें खर्चा आ रहा है, ये मॉनेटरी वैल्यू, वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट टू बी बॉट, यस, मनी स्पेंट ऑन दैट प्रोडक्ट, यस, ठीक है, आप समझ पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड होता है कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ परचेज, ठीक है। कॉस्ट ऑफ परचेज क्या होता है? कहता है द परचेज प्राइस इंक्लूड्स ड्यूटीज एंड टैक्सेस। द परचेज प्राइस इंक्लूड्स ड्यूटीज एंड टैक्सेस, फ्रेट इनवर्ड्स एंड अदर एक्सपेंडिचर डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल टू एक्विजिशन, लेस ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट्स, ड्यूटी ड्रॉबैक्स, सब्सिडीज इन रिस्पेक्ट ऑफ सच परचेज।
किसी को कुछ समझ आया कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है? ठीक है, अब देखो, यस मनमीत, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मैंने काम शुरू किया, कोई काम शुरू किया, जैसे लेट सपोज मैंने ना एक कूलर, वाटर कूलर होता है ना, उसकी इंडस्ट्री लगाई मैंने, ठीक है। तो मेरे को अब माल खरीदना है पंजाब से, मुझे माल कहाँ से खरीदना है? पंजाब से। मैंने एक वाटर कूलर होते हैं ना, वो बनाने की फैक्ट्री स्टार्ट की, और मुझे जो उसको बनाने में काम आएगा, उसको मुझे जो सामान है मुझे कहाँ से मंगाना है? बाहर पंजाब से, ठीक है। तो मैंने पंजाब में अपने डीलर को फोन करके बोला कि साहब इतना सामान बेच दो, इतना सामान मुझे बेच दो। अब जब वो मेरे पास सामान पहुंचा तो उसमें क्या क्या खर्चे होंगे? एक तो उसकी अपनी कॉस्ट होगी, होगी नहीं होगी, बताते जाना, मेरे से बात करते जाना साथ साथ, ठीक है। अब सबसे पहले जो मेरे पास सामान, ज्यादा नहीं, जितना पूछूंगा उतना, फ्रेट मैंने बात नहीं की अभी, ठीक है, मुझे साथ साथ मेरे जवाब देना। सबसे पहले जो मेरे पास परचेज पहुंची, लेट सपोज मेरे पास 5 लाख का सामान पहुंचा और उस लाख का बिल था, 5 लाख का बिल था। अब उस 5 लाख को मुझे तोड़ना है, उस 5 लाख के अंदर क्या क्या है, उस 5 लाख के अंदर क्या क्या है? उस 5 लाख को जब मैंने पे किया तो उसके अंदर परचेज का सबसे पहले उसकी कॉस्ट है, सबसे पहले क्या है, उसकी कॉस्ट है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि मेरे लिए कॉस्ट क्या होगी? जैसे मैंने आपको ऊपर डेफिनेशन में बताया, जो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर किया जाता है एक स्पेसिफाइड आर्टिकल के लिए, क्या बोलते हैं, कॉस्ट। अब मुझे बताओ क्या कॉस्ट में उसका प्रॉफिट भी होगा? ध्यान से समझना इस बात को, गहराई है इस बात में। मेरा प्रॉफिट नहीं ऋषि, उस प्रॉफिट होगा जिसने मुझे बेचा है, बिल्कुल होगा, क्योंकि वो प्रॉफिट पे बेचेगा ना, मुझे जितने का बनेगा या उतने का बेचेगा, प्रॉफिट पे बेचेगा कि नहीं बेचेगा? इसका मतलब क्या दूसरे का प्रॉफिट मेरा खर्चा बन जाएगा? यस, वन डज बिजनेस फॉर मनी। क्या उसका प्रॉफिट मेरा खर्चा बन जाएगा? क्योंकि मुझे तो पता नहीं है ना कि उसके अंदर कितना प्रॉफिट है, तो जितना वो मुझे दे रहा है, जितने का मुझे वो दे रहा है, उतने का मेरी क्या बन जाएगी, कॉस्ट, उतनी मेरी क्या बन जाएगी, कॉस्ट। ये पॉइंट मेरा क्लियर हुआ? लेट सपोज जो मैंने वाटर कूलर बनाने की उससे रॉ मैंने उससे चीज मंगाई है, उसको पड़ी होगी 3 लाख की, और उसके अंदर उसने क्या ऐड किया, अपना प्रॉफिट 1 लाख का, तो मेरे लिए कॉस्ट 3 लाख मानी जाएगी या 4 लाख मानी जाएगी? राइट, ठीक है, वेरी गुड। अब जब उसने वहां से मुझे माल बेचा तो क्या जीएसटी लगेगा? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि हर सप्लाई पे क्या लगता है, जीएसटी। मैं जीएसटी में डीप नहीं जाऊंगा, कोई मेरे से पूछना नहीं कि जीएसटी क्या होता है, अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना कि जीएसटी एक टैक्स होता है, ठीक है। क्या उस पे जीएसटी लगेगा? बिल्कुल लगेगा, ठीक है। और मैं कोई परसेंटेज नहीं बता रहा हूँ, सीधे बता रहा हूँ कि लमसम उसमें 50,000 का जीएसटी लगा हुआ है। कोई परसेंटेज पे नहीं जाएगा कि सर 18% होता है, 12 होता है, हमें कुछ नहीं लेना देना। मैं आपको सीधे मॉनेटरी वैल्यू कह रहा हूँ कि उसमें 50,000 का जीएसटी डला है, ठीक है। उस जीएसटी, उस टैक्सेशन को हम अकाउंटिंग में क्या बोलते हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। उसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ठीक है। जीएसटी इज अ पार्ट ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस, इज इट ओके?
यस ठीक है। पंजाब से माल निकला, रास्ते में आके टोल टैक्स पड़ गया, क्या वो भी मेरी कॉस्ट है? यस बिल्कुल, मुदस्सिर क्यों नहीं है? यस वो भी मेरी कॉस्ट है। ठीक है, लखनपुर पे टोल टैक्स लग गया 10,000 रुपए का, लेट सपोज। ठीक है, तो अभी तक मेरी कॉस्ट कितनी होगी? 3 लाख का उसको पड़ा था, 1 लाख का उसने प्रॉफिट डाला था, 4 लाख हो गया, 50,000 का जीएसटी लग गया, 10,000 का, हाँ बिल्कुल, 4,60,000। और क्या टोल टैक्स भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आएगा? यस ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ टैक्सेस। ठीक है, अब जिस ट्रक में वो आ रहा है उसने लेना है मेरे से फ्रेट। फ्रेट क्या होता है मैं वो भी डिस्कस करूंगा यहां पे। एक होता है फ्रेट इनवर्ड और एक होता है फ्रेट आउटवर्ड। क्या क्या होता है? एक होता है फ्रेट इनवर्ड और एक होता है फ्रेट आउटवर्ड। फ्रेट क्या होता है? फ्रेट होता है ट्रांसपोर्टेशन का जो भाड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेट। ट्रांसपोर्टेशन के भाड़े को हम क्या बोलते हैं? फ्रेट। और कभी कभी उसके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं कैरेज। क्या बोलते हैं? कैरेज। यस कैरेज। ठीक है, एक वर्ड होता है कैरेज और एक वर्ड होता है फ्रेट। दोनों को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, दोनों का एक ही मतलब है। यस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आर ऑफनली कॉल्ड एज फ्रेट या कैरेज इन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। ठीक है, अब मेरे पास पंजाब से ट्रक में सामान आ रहा है तो उसपे जो भाड़ा लगा है वो भी उसने बिल में चार्ज करके भेजा है, तो क्या मेरे लिए वो भी खर्चा हो गया? यस लेट सपोज 20,000 का भाड़ा लग गया, तो अब मेरी कॉस्टिंग कितनी हो गई है? अब मेरी कॉस्टिंग कितनी हो गई है? यस ऋषि, यस मनमीर, राइट, 4,80,000। यस अनायत, यस रियाज, यस मुदस्सिर, राइट, यस मनीषा, यस। ठीक है, अब क्या हुआ? माल पहुंच गया मेरी फैक्ट्री के बाहर, और माल उतारना भी था, माल को ट्रक से उतारना था, तो उसके लिए मैंने लेबर मंगवाई जिसको हम कहते हैं अनलोडिंग एक्सपेंसेस। एक होते हैं लोडिंग एक्सपेंसेस और एक होते हैं अनलोडिंग। माल को ट्रक में डालना है तो लोडिंग एक्सपेंसेस, माल को ट्रक से निकालना है तो उसको बोलना है अनलोडिंग एक्सपेंसेस। ये सुना है उतारने के खर्चे, तो उसको उतारने के लिए भी मैंने अपनी लेबर को कुछ पेमेंट किए, लेट सपोज 5,000 रुपया लेबर को दे दिया क्योंकि माल ज्यादा आया था। ठीक है, तो अब मेरा खर्चा कितना हो गया? यस और यस 4,85,000। ठीक है, यस एवरीबॉडी वाइज, तो मुझे जो परचेज प्राइस को कॉस्ट ऑफ परचेज मिली तो मेरे पास पहुंचने तक की कितने की पड़ी? 4,85,000 की। ठीक है, अब मैं उसमें से मुझे क्या हुआ, मेरे जो उस मेरा जो सप्लायर था जिससे मैंने पंजाब से माल मंगवाया था उसने मुझे 15,000 का डिस्काउंट दिया था। उसने मुझे 15,000 का डिस्काउंट दिया था, तो जब 15,000 का ट्रेड डिस्काउंट दिया तो उसकी कितनी वैल्यू रहेगी? यस बताओ बताओ, बढ़ देना यार। फोर सेवेंटी, यस राइट। ठीक है, यस ठीक है, तो मेरे पास जो मुझे 4,70 का मिला उसको मैं क्या बोलूंगा? वो मेरी क्या है? कॉस्ट ऑफ परचेज है। वो मेरी क्या है? कॉस्ट ऑफ परचेज है। यस ठीक है,
अब यहां पे एक बार डेफिनेशन फिर से पढ़ते हैं. द परचेज प्राइस इंक्लूड्स ड्यूटीज एंड टैक्सेस. परचेज प्राइस क्या थी उसकी? 4 लाख की. उसके अंदर और क्या डालना है? ड्यूटीज एंड टैक्सेस. दैट वी कवर्ड और नॉट? बताते जाना साथ साथ. दैट वी कवर्ड जीएसटी टोल टैक्स टोटल 60,000 का. तो कितना का हो गया ना? 460 का हो गया. उसके आगे फ्रेट इनवर्ड. फ्रेट इनवर्ड वो भी कवर किया. कवर किया यस. ठीक है, वो कितने का पड़ा था? 20,000 का. तो टोटल हो गया रियाज पड़ा तो सही. फ्रेट इनवर्ड भाड़ा दिया ना. यस. ठीक है, फिर उसके बाद हमने अदर एंड अदर एक्सपेंडिचर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू एक्विजिशन. और कोई और खर्चा जो हमें उसको एक्विजिशन करने में लगा, जिसका हमने क्या एग्जांपल लिया? लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा. लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा उसको हम क्या बोलते हैं? अदर एक्सपेंडिचर जो उस एक्विजिशन को खरीदने में लगा. ठीक है, बेटा वो तो उनके एग्रीमेंट पे है. हाँ, कैश डिस्काउंट भी होगा इसके अंदर. हाँ हाँ वो होगा. अच्छा, इसमें इस कॉस्ट ऑफ परचेज में, कॉस्ट ऑफ परचेज में कैश डिस्काउंट नहीं आएगा, क्योंकि वो तो पेमेंट रिलेटेड है. वो तो पेमेंट रिलेटेड है. आप पेमेंट करोगे तो वो डिस्काउंट देगा. दैट इज नॉट अ कॉस्ट ऑफ परचेज. बात समझे? हमने दो तरह के डिस्काउंट भी पढ़े थे रिवीजन में, आज वो रह गए. एक पढ़ा था कैश डिस्काउंट और एक पढ़ा था ट्रेड डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट, ड्रॉबैक्स पे पहुंचा ही नहीं मैं अभी. मैं अभी सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट तक पढ़ाया. ठीक है, हमने पढ़े थे दो तरह के डिस्काउंट, एक था कैश डिस्काउंट और एक था ट्रेड. मुझे बताओ कैश डिस्काउंट क्या था और ट्रेड डिस्काउंट क्या था? मनमीत, मनमीत कॉस्ट हमारी कम तो होती है, लेकिन वो हमें जब हम परचेज करते हैं उस डिटरमिनेबल नहीं होती कि हमें वो कितने की पड़ेगी. दैट इज अपार्ट फ्रॉम द बेसिक परचेज. यस, कैश मींस, कैश डिस्काउंट मींस इंस्टेंट डिस्काउंट पेमेंट. हाँ, अगर हम इमीडिएट पेमेंट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? कैश डिस्काउंट. और अगर कोई और रीजन की वजह से हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो दैट इज अवर ट्रेड डिस्काउंट. यस. ठीक है, अब यहाँ पे मनमीत ने कहा कि यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ ट्रेड डिस्काउंट, तो क्या यहाँ पे कैश डिस्काउंट कवर होएगा कि नहीं होगा? कैश डिस्काउंट यहाँ पे कवर नहीं होगा, क्योंकि जो कैश डिस्काउंट है वो उस समय जब हम परचेज करते हैं वो डिटर्मिनेबल नहीं होता कि क्या हमें कैश डिस्काउंट हम अवेल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. लेकिन जब ट्रेड की बात है कि आप इतना हमसे माल ले रहे हो तो उस वजह से अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो दैट इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ परचेज, रादर दैट इज डिडक्टेड फ्रॉम द परचेज कॉस्ट. यस मनीषा, इज इट ऑल राइट मनमीत? यस. ठीक है, तो हमने उसमें से क्या काटा? हमने उसमें से काटा ट्रेड डिस्काउंट. तो हमें जो मिला उसको हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ परचेज. उसको हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ परचेज. इज इट ऑल राइट? ठीक है, अब यहां पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं आगे, रिबेट्स, ड्यूटी ड्रॉबैक्स और सब्सिडीज. ठीक है, दीज आर बेसिकली यूज इन केस ऑफ इंपोर्ट. इन केस ऑफ इंपोर्ट
वो अभी जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा बाद में, जनरल में बताऊंगा, ठीक है। जो वर्ड्स ड्यूटी ड्रॉबैक सब्सिडीज और रिबेट्स हैं, बेसिकली ये वर्ड्स किससे रिलेटेड किए जाते हैं? इंपोर्ट से। व्हाट इज इंपोर्ट? अगर आप किसी फॉरेन कंट्री से कोई माल खरीद रहे हो तो वहां पे जो आपको ड्यूटी लग के आती है, जिसको हम बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी, जिसको हम क्या बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी, अगर उसके उस पोर्शन में कभी हमें कोई डिस्काउंट मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक्स, या कभी कभी हमें सब्सिडी मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं सब्सिडीज, उसको भी हम कॉस्ट ऑफ परचेज में से डिडक्ट कर देते हैं। लेट सपोज जैसे कि मैंने एक फ्रांस से कुछ मंगाया अपने वाटर कूलर के लिए, ठीक है, तो मेरे पास सामान पहुंचा पोर्ट पे, तो वहां पे पोर्ट पे जब क्लियरेंस करनी थी तो वहां पे मुझे क्या देनी पड़ी ड्यूटी, उधर मुझे क्या देनी पड़ी इंपोर्ट ड्यूटी। अब जैसे वहां से हाँ इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ी, लेकिन कुछ कुछ प्रोडक्ट्स पे हमें क्या मिलता है, अगर हम उस ड्यूटी हाँ अगर हम उस प्रोडक्ट को जब बनाएंगे और अगर उसको फॉरेन कंट्री में बेचेंगे यानी कि एक्सपोर्ट करेंगे, तो हमें कभी कभी उस पे क्या मिलती है, जो हमने इंपोर्ट के समय ड्यूटी दी होती है उसका रिफंड मिलता है, उसका हमें क्या मिलता है रिफंड मिलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। कभी कभी अगर आप कुछ इंपोर्ट करोगे और इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करोगे तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको क्या देती है, जो आपने इंपोर्ट के समय ड्यूटी दी होती है उसका क्या दे देती है रिफंड दे देती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक्स या रिबेट्स, उसको हम क्या बोलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक्स, या कभी कभी सब्सिडीज दे देती है कि आप ये मंगाओगे तो आपको सब्सिडी मिलेगी। तो ये तीनों चीजें जो है ये भी एक तरह के डिस्काउंट नेचर की होती है, तो इसी इसको भी हम अपनी कॉस्ट ऑफ परचेज में से क्या कर देते हैं डिडक्ट कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाती है कॉस्ट ऑफ परचेज, ठीक है। जैसे लेट सपोज 1 लाख का मैंने कोई सामान मंगाया फ्रांस से, तो 1 लाख का जब मैं फ्रांस से सामान मंगाया तो मुझे पोर्ट पे 15,000 की इंपोर्ट ड्यूटी लग गई, 15,000 की क्या लग गई इंपोर्ट ड्यूटी। तो अब मेरी जो ये जब इंपोर्ट ड्यूटी लगी तो इंपोर्ट ड्यूटी किस में फॉल करेगी बताओ, बोलो बोलो इंपोर्ट ड्यूटी किस में फॉल करेगी? कॉस्ट ऑफ परचेज तो 1 लाख की थी, जो मैंने वहां से खरीदा वो मेरी परचेज प्राइस आ गई, उसके अंदर क्या ऐड करते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऐड करते हैं ना, जब हमने लोकल में माल इंडिया के अंदर माल खरीदा था तो उसको लगता है जीएसटी, लेकिन जब हम बाहर से माल मंगाते हैं तो उसको क्या लगेगा इंपोर्ट ड्यूटी, तो इंपोर्ट ड्यूटी किसका पार्ट हुआ ड्यूटीज एंड टैक्सेस का। ये है सुमन बात समझे मेरी, अगर तो मैं पंजाब से माल मंगा रहा था तो टैक्स लग रहा था उसको क्या बोलते थे जीएसटी, लेकिन अगर मैं बाहर से माल मंगा रहा हूं तो वहां पे मुझे क्या लग रही है इंपोर्ट ड्यूटी, यस ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो लेट सपोज मेरा मुंबई पोर्ट पे सामान आया, वहां से मुंबई से दिल्ली पहुंचाने में या जम्मू पहुंचाने में मुझे 50,000 की कार्गो सर्विस लग गई, 50,000 की कार्गो सर्विस लग गई, तो उसको मैं क्या बोलूंगा यस फ्रेट, राइट। तो मेरा जो 1 लाख का सामान था 15,000 उसमें वो ऐड हो गया, 50,000 का फ्रेट ऐड हो गया, तो मुझे वो कितने की पड़ गई 1,65,000 की, और लोडिंग अनलोडिंग का फिर से 5,000 लगा लो तो अब कितना हो गया 1,70,000 का, डिस्काउंट मुझे कुछ नहीं मिला। लेट सपोज डिस्काउंट मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन सरकार कहती है आपने ये सामान इंडिया में मंगाया है और आपने इसको जो फिर से बाहर बेचना है उसके लिए हम आपको बेनिफिट देंगे, जो 15 की आपको ड्यूटी लगी थी उसमें से 50% का हम आपको ड्यूटी ड्रॉबैक दे देंगे, यानी कि हम आपको वापस दे देंगे। तो अब मुझे बताओ जो चीज मुझे 1,70 की पड़ी थी, अब अगर मुझे ड्यूटी जो 15,000 लगी थी उस पर 50% का ड्रॉबैक मिल रहा है, तो
मेरी कॉस्ट ऑफ परचेज कितनी होगी बताओ बताओ। सब बताओ, मनमीत का आंसर आया है। बोलो बोलो। अविनाश, गुड। साकी, यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, यस ऋतु, यस राइट। ठीक है, सबको समझ आ गया। तो 15,000 का आधा हो गया 7,500, वो 1,70,000 में से 7,500 माइनस हो जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ परचेज। ठीक है, राइट। ठीक है, और उसी फॉर्म में कभी कभी हमें सब्सिडीज मिलती हैं और कभी कभी रिबेट मिलती है, तो उनको भी हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे ताकि हमें कॉस्ट ऑफ परचेज मिल जाए। कॉस्ट ऑफ परचेज में किसी को दिक्कत तो मेरे से पूछ सकता है, नहीं तो आगे चलते हैं। यस, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आ गया मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगला पॉइंट क्या आया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो मैंने गुड्स बेचे हैं उसकी मुझे कितनी कॉस्ट पड़ी, उसकी मुझे कितनी कॉस्ट पड़ी। जो मैंने सामान बेचा है उसकी मुझे कितनी कॉस्ट पड़ी। क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगी उसके अंदर कॉस्ट ऑफ परचेज तो होगा ही होगा, क्या मैं कह सकता हूं ये? यस एब्सोल्युटली राइट मुदस्सिर, यस। क्या मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि सर आप बिल्कुल कह सकते हो कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा उसके अंदर तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ परचेज तो इंक्लूड होगी ही होगी, बल्कि उसके अलावा भी कुछ चीजें एड ऑन हो जाएंगी। प्रॉफिट नहीं होगा बेटा, प्रॉफिट कैसे हो सकता है? एक तरफ से आप प्रॉफिट कह रहे हो, ऊपर से कॉस्ट कह रहे हो। ठीक है, उसके अंदर अब मुझे बताओ, जब मेरे पास वो सामान आ गया, मैंने उसको कॉस्ट ऑफ परचेज बोला, मैंने अपने लेबर को बोला कि चलो भैयो माल आ गया है, अब इस पे आप इसको काम शुरू करो, इसको बनाना शुरू करो, कूलर को बनाना शुरू करो। तो जब कूलर बनेगा तो लेबर कॉस्ट लगेगी, दिहाड़ी देनी पड़ेगी। यस, देनी पड़ेगी। क्या फैक्ट्री में बिजली का इस्तेमाल होएगा, पावर लगेगी? पावर यस लगेगी, पावर सप्लाई चार्जेस यस। क्या अगर आपकी कोई मशीन तेल से चलती है तो क्या तेल भी लगेगा, ऑयल कॉस्ट? यस ठीक है। अब जब आपका वो माल तैयार हो गया, कूलर तैयार हो गया, तो आपने उसको बेचना भी है, यस, फ्यूल एंड लाइट। ठीक है, तो इस स्टेज तक जो आपके खर्चे लगेंगे, जब आप अपने गुड्स जो आपने बेचने हैं उसको रेडी कर लोगे, उस स्टेज तक जो खर्चे होंगे उसको आप क्या बोलेंगे,
उसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। मनमीत कह रहे हैं कि सर व्हाई आर दिस कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बिकॉज वी हैवंट सोल्ड इट येट। यस, देखो जो आप माल बेच रहे हो, उस प्रोडक्ट को जो आप बेच रहे हो वो आपको कितने का पड़ा है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, आपने बाहर से माल मंगाया जिसको आपकी लेबर उसको यूज करके आपको बिजली लगानी है, उसमें फ्यूल लगाना है, लाइट लगानी है, सब कुछ आप उसको लाइटनिंग इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे, उससे जो आपका प्रोडक्ट तैयार हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वो गुड्स जो आपने बेचने हैं उसको आप क्या बोलोगे? उसके उसको बेचने के लिए जो आपको कॉस्ट लग रही है उसको हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसमें लिखा है द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन इट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या हो गया? जो आपने कॉस्ट ऑफ परचेज थी वही आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल हो गया। यस, ठीक है, उसमें आपका लग गया लेबर लग गई और फैक्ट्री ओवरहेड्स लग गए। फैक्ट्री के ओवरहेड्स में क्या आ गया? पावर, फ्यूल, लाइट, ठीक है, और साथ में वो कहता है कि जो सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो कॉस्ट उसको बनाने में नहीं लगी होती। हम कह रहे हैं जो गुड्स उसको बेचने के लिए यूज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यस, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज द अदर वर्ड। यस, इन शॉर्ट ओवरहेड्स। यस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, जो फैक्ट्री के अंदर ओवरहेड्स लगते हैं उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ परचेज। इज इट ऑल राइट? ठीक है, तो ये हमारे तीन कंसेप्ट थे ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट ऑफ परचेज क्या होती है, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होते हैं। ठीक है, ये टर्म्स आगे जाके हमें काम आने वाली हैं, इसलिए मैंने इनको यही समझाना बेहतर समझा, ताकि बाद में जब हम इस पे कुछ पढ़ेंगे तो वहां पे दिक्कत नहीं आएगी। कॉस्ट ऑफ कॉस्ट विच वी इनकर ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ प्रोडक्ट इन टू एंड फिनिश। यस मनमीत, एग्जैक्टली। ठीक है, एक प्रोडक्ट को बनाने तक जो खर्चे हैं उसको हम बोलते हैं कॉस्ट। अब मैं कोई ऊपर कह रहा था कि उसको प्रॉफिट भी ऐड करेंगे। प्रॉफिट हमारा कॉस्ट कैसे हो सकता है? क्या मैं कभी भी प्रॉफिट को कॉस्ट बोल सकता हूं? नो, प्रॉफिट तो मेरा मार्जिन है। हाँ, जो मेरे से खरीदेगा उसके लिए कॉस्ट है, हमें थोड़ी कॉस्ट माननी है। आगे जाके तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि आपको वहां पे देखना है कि कॉस्ट क्या होती है और सेल वैल्यू क्या होती है। कॉस्ट क्या होती है? जो आपको बनाने में लगी है, और सेल वैल्यू क्या होगी? जितने में आपने बेची है, और दोनों का डिफरेंस क्या होगा? प्रॉफिट। दोनों का डिफरेंस क्या होगा? प्रॉफिट, राइट ना? जितने की आपको चीज बनी, जितने की आपने बेची, उन दोनों का फर्क क्या है? प्रॉफिट। ठीक है, तो ये तीन आपको समझ आ गए यहां पे। आगे चल सकता हूं? ठीक है, अब मेरे पास दो वर्ड्स और आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज। एक हमने पढ़ा था फिक्स्ड एसेट्स, एक हमने पढ़ा था फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स हमने क्या पढ़ा था? फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं? दे आर बेसिकली हेल्ड फॉर व्हाट पर्पस? उनको हम अपने पास रखते हैं क्या करने के लिए, बताओ? फॉर जनरेटिंग रेवेन्यूज। यस, अर्निंग रेवेन्यूज। यस,
फिक्स एसिड दो तरह के होते हैं, एक होता है डैश और एक होता है डैश नेचर वाइज। यस मनमीत, गेनिंग रेवेन्यू। यस विवेक, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। बेटा करंट और फिक्स्ड मैंने एसेट नहीं पूछा, मैंने कहा फिक्स्ड एसेट दो तरह के होते हैं। यस टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल। यस सलीम राइट। अब अगर मैं बोलूं एसेट्स दो तरह के होते हैं, अगर अब मैं बोलूं अविनाश वाली बात, अगर मैं बोलूं एसेट्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फिक्स्ड और एक होते हैं करंट। यस एक होते हैं फिक्स्ड जिनको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, वो किस पर्पस के लिए हेल्ड करते हैं, ताकि रेवेन्यू कमा सके, और एक होते हैं करंट। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं या हम उनको कंज्यूम कर सकते हैं फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स। यस साकी, ऑन द बेस। यस फिजिकल एग्जिस्टेंस, इफ इट इज फिजिकल एग्जिस्ट देन इट इज अ टेंजिबल एसेट और अदरवाइज इट इज अ इनटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, और जो करंट एसेट्स होते हैं उनको हम बिजनेस में उसको यूज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्जन इंटू कैश। करंट एसेट्स कन्वर्ट्स शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विच इज जनरली 12 months, विच इज जनरली, आई एम यूजिंग वर्ड जनरली। क्या हमेशा 12 महीने के कैटेगराइजेशन पे ही हम उसको करेंगे या कुछ और भी पीरियड हो सकता है? कुछ और भी हो सकता है। कहता है कोई भी एसेट्स जो कन्वर्ट हो जाए कैश में विद इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, उसको हम क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स। सबसे अच्छा एग्जांपल करंट एसेट्स का आप दे सकते हो मुझे कोई? शाबाश मनमीत, शाबाश। लैंड बेटा फिक्स्ड एसेट, क्या कर रहे हो? अविनाश प्रॉपर्टी, क्या बात है? प्रॉपर्टी आप बेचने के लिए रखते हो? मनमीत लैंड कैसे हो सकती है बेटा? यस विवेक, स्टॉक, डेटर्स। यस देखो, बेसिकली जो करंट एसेट्स होते हैं वो कहाँ से जनरेट होते हैं? जो आपके नॉर्मल वर्किंग्स, डे टू डे वर्किंग्स होती हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है स्टॉक्स। आपने माल खरीदा, आपने माल खरीदा, आपने स्टॉक इकट्ठा कर लिया। तो वो स्टॉक आपका क्या है, जब आप उसको सेल करोगे लैंड कैसी होगी बेटा? लैंड फिक्स एसेट है, लैंड को आप बेचोगे थोड़ी रोज रोज। मैंने स्टॉक लिया, स्टॉक को मैंने क्यों रखा है अपने पास? ताकि मैं उसको बेचूंगा, और जो बेच के आएगा उसको मैं क्या बोलूंगा? उसको मैं फॉर रियल एस्टेट। यस फॉर रियल एस्टेट इट कैन बी करंट एसेट, बट इन नॉर्मल पार्लेंस विच वी आर टॉकिंग, लैंड विल बी अ फिक्स एसेट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शंस। इन जनरल टर्म्स वी आर नॉट डीलिंग विद प्रॉपर्टी डीलर्स। ठीक है, इन 99% केसेस लैंड इज ऑलवेज अ फिक्स्ड एसेट, बट इन सम फ्यू केसेस, यस बट इन सम फ्यू केसेस एज डिस्कस्ड बाय मनीषा एंड मनमीत, फॉर रियल एस्टेट पर्पसेस इट कैन बी अ करंट एसेट, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रियल एस्टेट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सिंगल सेक्टर वाइज, बट जनरली इट इज डिफाइंड एज अ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, करंट एसेट्स के सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे स्टॉक्स। हमारे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसको जब हम सेल करेंगे वो हो गए भैया, बिल हो गए, सेल के भी हो गए, हो गए। ठीक है, हमारे पास जो स्टॉक्स पड़े हैं उनको हम क्या, उनको हम इमीडिएटली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में जब हम उसको बेचेंगे। ठीक है, तो इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर अवर
करंट एसेट्स, ठीक है? और कौन कौन से करंट एसेट्स हो गए? कैश बताया मुझे काफी ऊपर, यस कैश इज अ करंट एसेट क्योंकि इट्स द मोस्ट लिक्विड फॉर्म, ठीक है? अभी अविनाश ने ड्राफ्ट, यस बैंक ड्राफ्ट, यस शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, यस चेक्स, यस चेक्स, कुछ भी अगर कैश में कन्वर्ट हो जाए इमीडिएटली, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं करंट एसेट्स। अगर मैं उसको लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, क्या करंट एसेट हो सकते हैं? लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स, नो, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स हमारे इन्वेस्टमेंट्स में आ जाएंगे। मनमीत, अगर एफडी अगर 12 महीने की है तो वो करंट एसेट में आ जाएगी, और अगर वो 12 महीने से ज्यादा की है तो वो इन्वेस्टमेंट्स में आ जाएगी, लॉन्ग टर्म में आ जाएगी, ठीक है? म्यूचुअल फंड्स करंट एसेट्स, यस वेरी गुड। म्यूचुअल फंड्स को आप कभी भी रिडीम कर सकते हो, ठीक है? हाँ, अगर म्यूचुअल फंड्स भी लॉन्ग टर्म होंगे वो कंसिडर नहीं होंगे, क्योंकि कुछ कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो टाइम पीरियड के साथ आते हैं, जिनको आप टाइम से पहले रिडीम नहीं कर सकते, जिनको आप टाइम से पहले बेच नहीं सकते। ठीक है सर, गोल्ड भी फिक्स्ड में आएगा ना? गोल्ड को आप जाओ सुनार के पास जाओ और बेचाओ, ठीक है? फिक्स में नहीं आएगा बेटा गोल्ड, गोल्ड आप बेच सकते हो इमीडिएटली। सर ऐसे तो लैंड टू बी प्रॉपर्टी डीलर के पास जाओ तो बेचो बेटा, वो उसमें हम डील नहीं करते ना, प्रॉपर्टी डीलर के लिए वो करंट एसेट है। कॉम्प्लेक्सिटी भी तो देखो ना बेटा, अब हम लैंड को जब बेचने जाएंगे तो हर 10 काम करने भी पड़ेंगे, रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी, एग्रीमेंट टू सेल करवाना पड़ेगा, इमीडिएट थोड़ी कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है? हाँ ठीक है। गोल्ड गोल्ड कैन बी गोल्ड इज अ करंट एसेट, ठीक है? ठीक है, तो जो करंट एसेट, जो एसेट्स को हम कन्वर्ट, दोज एसेट्स विच आर कन्वर्टेबल इनटू कैश और कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स, ठीक है? और लाइक वाइज करंट लायबिलिटी क्या होगी? करंट लायबिलिटीज क्या होंगी? जो हमारी लायबिलिटीज अभी ड्यू हो चुकी हैं और हमने उनको पे करना है, उनको हम क्या बोलेंगे? लायबिलिटीज। और अगर वो शॉर्ट टर्म हो, यानी कि बेसिकली नॉर्मली 12 महीने से कम की होंगी, मतलब आने वाले 12 महीनों में हमने उसे पे करना है, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगी? करंट लायबिलिटी। और अगर कोई ऐसी लायबिलिटी जो हमने 12 महीने के बाद पे करनी है, दैट इज नॉट अ करंट लायबिलिटी, दैट इज अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। 12 महीने क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जनरली 12 महीने का ऑपरेटिंग साइकिल होता है, ठीक है? इट कैन बी 15 मंथ्स, इट कैन बी 9 मंथ्स। तो जो ऑपरेटिंग साइकिल आपका रन हो रहा है, अगर वो विद इन उस ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर फॉल कर रही हो, देन इट इज अ शॉर्ट टर्म, और उसको हम करंट बोलते हैं। और अगर वो उस ऑपरेटिंग साइकिल के बाहर फॉल कर रहा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म, दस नॉन करंट एसेट, उसको हम नॉन करंट लायबिलिटी, सॉरी, ठीक है? शॉर्ट टर्म इज करंट लायबिलिटी। कोई भी चीज हमने लायबिलिटी आपकी शॉर्ट टर्म में है, तो उसको क्या बोलेंगे? करंट लायबिलिटी। एग्जैक्टली, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने नेक्स्ट मंथ पे करना होता, दैट इज अवर शॉर्ट टर्म, करंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लोन, हमने 6 महीने का लोन लिया है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी, यस, ठीक है? लॉन्ग टर्म कार लोन लिया है, दैट इज नॉट अ करंट लायबिलिटी, ठीक है? तो कोई भी लायबिलिटी अगर आपको विद इन 12 मंथ्स या आपका जो ऑपरेटिंग साइकिल है उसमें फॉल करती है तो करंट है, अगर उसमें फॉल नहीं करती है तो वो नॉन करंट है, ठीक है? लायबिलिटी इंक्लूडिंग लोन्स, डिपॉजिट, बैंक ओवरड्राफ्ट व्हिच फॉल्स ड्यू फॉर अ पेमेंट इन अ शॉर्ट पीरियड नॉट मोर देन 12 मंथ्स इज सेड टू बी अ करंट लायबिलिटी।
ठीक है, इस शीट में किसी को कोई डिफिकल्टी है तो पूछ सकता है। समटाइम्स बैंक हमें ऑप्शन देता है, वी कैन पे अवर लोन एनी टाइम, व्हाट इज दैट? बेटा जो ड्यूरेशन होती है ना लोन की, उसके हिसाब से डिपेंड होएगा कि वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। इट डजेंट मैटर कि आप उसको कब पे करोगे। अगर आपका लोन 7 साल का है तो इट विल नॉट बी अ करंट लाइबिलिटी। नो मैटर, अगर आप उसको पे कर दोगे उस साल तो वो खत्म हो जाएगा, लेकिन उसकी जो नेचर है वो तो नहीं चेंज होगी ना। ठीक है, हाँ, क्योंकि हम अगर, हाँ, इट डिपेंड्स ऑन द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट अगर हमारा कोई 1 साल का लोन है तो हमेशा ही क्या होगा, करंट लाइबिलिटी होगा। लेकिन अगर हमारा कोई लोन अगर 7 साल का है तो हम तो उसको नेचर वाइज तो यही बोलेंगे ना कि वो करंट लाइबिलिटी नहीं है। नो मैटर, अगर हम उसको खत्म कर दें तो हमारा लोन खत्म ही हो जाएगा, तो फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखेगा ही नहीं, तो वो सवाल ही खड़ा नहीं होता कि वो करंट है या नॉन करंट है। ठीक है, यस, ठीक है, इस शीट के हमने सारे कवर कर लिए ना, मॉर्टगेज, रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है, सिक्योर्ड लोन और शेयर कैपिटल। बताते जाना मुझे साफ साफ, ये कर लिया ना पेज, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? रियलाइजेबल वैल्यू बेटा हमने वहां पढ़ा था रियलाइजेशन कंसेप्ट में। रियलाइजेबल वैल्यू वो होगी जब हम अपने अपने कोई एसेट को अगर हम बेचने जा रहे हैं तो मार्केट में हमें कितने का मिल रहा है, और दैट इज अवर नेट रियलाइजेबल वैल्यू। किसी चीज को हम बेच रहे हैं तो वो कितने की बिक रही है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, और उसको बेचने में जो खर्चे आ रहे हैं उसको लेस कर देंगे। ठीक है, जो हमारे एसेट की सेलिंग वैल्यू होती है मार्केट में, मार्केट वैल्यू होती है, उसको हम बोलते हैं रियलाइजेबल वैल्यू। और उसको बेचने में जो हमें खर्चे करने पड़ रहे हैं, अगर हम उस वैल्यू में से उसको काट देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, अब जैसे अगर मुझे कोई प्रोडक्ट, मुझे कोई अपना, मैंने गाड़ी बेचनी है यार, ठीक है, मेरी गाड़ी पुरानी होगी, मैंने उसको बेचना है, मार्केट में मिल रही है 2 लाख, बिक रही है 2 लाख की। ठीक है, अब 2 लाख की जो वैल्यू है दैट इज व्हाट, दैट इज रियलाइजेबल वैल्यू। वो क्या है, रियलाइजेबल वैल्यू है। ठीक है, लेकिन उसको बेचने में मुझे और कागज बनाने पड़ रहे हैं जिसमें खर्चा आ रहा है 10,000 का, तो अगर मैं उस खर्चे को भी काट दूं तो नेट मुझे कितने का बिक्री है, 1,90,000 की, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। गाड़ी में होता ना, बट व्हाट एजेंट टेक्स इट, नेट रियलाइजेबल। हाँ, एजेंट को जो खर्चा खुर्चा देना पड़ा उसके बाद नेट ही मिलेगा हमें, तो उसको हम नेट रिलायजेबल बोलेंगे। ठीक है मनमीत, ठीक है, तो इस पेज में बाकी और कुछ कवर करने वाला नहीं है। ठीक है, हमने कर लिया, ठीक है, इसको हमने आज अभी कवर कर लिया, इस पे हमने कोलैटरल पढ़ा है, कंटिंजेंसी हमने अभी नहीं पढ़ी है। ठीक है, इसमें है कुछ पढ़ने वाला, कैश, आपको पता है कैश क्या होता है, जो आपके कैश आपके पास है और जो आपके बैंक में पड़ा है। बेटा कॉस्ट होती है, जो हमें कॉस्ट पड़ी है, मैंने 7 लाख की गाड़ी खरीदी, आरसी पड़ी 1 लाख की, तो मेरी कॉस्ट होगी 8 लाख रुपया। उसी गाड़ी को मैं 2 महीने बाद बेचने जा रहा हूं तो मिल रहा है 7 लाख, तो 7 लाख मेरी लाइजेबल होगी, 8 लाख मेरी कॉस्ट होगी। कोई दिक्कत सलीम? इन्हीं के पीछे कंसेप्ट है हमारे, रियलाइजेशन कंसेप्ट और कॉस्ट कंसेप्ट। ठीक है, इस शीट में कैपिटल हमने कवर कर लिया हुआ है। कैश क्या होता है, आपको पता है कैश क्या होता है, जो आपके पास कैश पड़ा है और जो आपके बैंक में कैश पड़ा है या डिपॉजिट पड़े हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कैश। ठीक है,
और एक वर्ड यूज होता है कैश इक्विवेलेंट्स, कैश इक्विवेलेंट्स, जो कैश की फॉर्म में हमारे पास कोई और असेट्स होते हैं जो करंट असेट्स में फॉल करते हैं, जैसे आपने भी बताया चेक्स, यस राइट, ड्राफ्ट्स, स्मॉल मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट्स जो होती हैं, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट्स जो इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है, यस शेयर्स, यस ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश इक्विवेलेंट्स आर शॉर्ट टर्म बट हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट दैट आर रेडिली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश एंड विच आर सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट, उनपे रिस्क नहीं होता वैल्यू ऑफ चेंज में, ठीक है, यस, लिक्विड मीन्स इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश, ठीक है, बाकी हमने इसमें कवर कर लिए हैं, ठीक है। ठीक है, अब मेरे हिसाब से हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह पढ़ लिया है, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास कोई 5-6 टर्म्स हैं जो मैंने डिस्कस नहीं की हैं, वो मैं अभी इस स्टेज पे डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैंने थोड़ा उसको अभी ले लिया तो थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि उस पे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा सिलेबस था, एक बार मैं सिलेबस निकाल लूँ अकाउंट्स का, हमारे पास सिलेबस था अकाउंट्स का ये, इसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म्स, दिस इज मोस्टली डन, दिस इज मोस्टली डन। अब मैं आपको बताऊंगा, अब हम जो आएंगे, हम आएंगे रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग पे, रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग पे, ठीक है, और उसी के साथ क्या डील किया जाएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल, क्या डील किया जाएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 10, ये दोनों हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, और वो जो टर्म्स मैंने छोड़ी हैं वो इन्हीं इसी सिलेबस में आगे जहां पे अप्रोप्रिएटली आएगा हम उसको वहां डिस्कस करेंगे, और जो नई टर्म्स हमें इसके साथ साथ सीखने को मिलेंगी मैं उसको उसी स्लाइड के साथ ही जोड़ दूंगा, ताकि उसको हमें सेपरेटली रेफर नहीं करना पड़ेगा। जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, जैसे लेट सपोज हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे हम जर्नल ही कर रहे हैं, तो जब हम जर्नल कर रहे होंगे तो उसके साथ जो टर्म्स आती जाएंगी हम उसको उसी की स्लाइड के साथ ही उसी के साथ डिफाइन करेंगे और वहीं पे एड ऑन करते जाएंगे, ताकि जब हम वो पढ़ें तो उसके साथ जो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स हैं उसको हम वहीं ही रेफर कर लें, ठीक है। लेकिन जो हमने ये अभी टर्म्स पढ़ी हैं, दीज वर दी बेसिक टर्म्स, ये हमें पता होने चाहिए ताकि हम एक नेक्स्ट स्टेप पे जा सके, ठीक है। तो अभी तक हमने जो भी सिलेबस कवर किया है उसमें अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है, वरना हम सैटरडे को मिल रहे हैं, सैटरडे को हम जर्नलाइजिंग स्टार्ट कर रहे हैं। बोलो बोलो, एक बार सारा फिर से पढ़ लेना, अविनाश मैं पहुंचा ही नहीं अभी वहां, कैसे बताऊं तेरे को, मैं रियल अकाउंट होता है, नेक्स्ट क्लास में ये आ जाएगा तेरा, कोई दिक्कत किसी को, एक बार जितना हमने पढ़ा है एक बार सारा गो थ्रू कर लेना, फिर भी कोई दिक्कत होगी तो मेरे से पूछ लेना, तो अदरवाइज वी विल बी स्टार्टिंग जर्नल इन द नेक्स्ट क्लास, जर्नल विद अकाउंटिंग इक्वेशन वी विल डू इट टुगेदर।
ठीक है, लेकिन जितना हमने अभी किया है ना, 5 to 6 marks आर कमिंग फ्रॉम दिस पोर्शन ओनली, डेफिनेटली कंसेप्ट्स में से 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे। होप नहीं, पक्का। मैं ना एक आपको ना एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, मैंने मैंने बताया है, मैंने इनको बोला है कि मुझे एक मैराथन लेक्चर लेना है जिस दिन आपका एग्जाम की डेट होगी उसके एक दिन पहले, उसके एक दिन पहले। लेट सपोज आपका संडे को एग्जाम है तो सैटरडे को हम एक 3-4 घंटे का लेक्चर बनाएंगे जिसमें सारा सिलेबस कवर किया जाएगा, एंड दे हैव एग्रीड। ठीक है, सारा सिलेबस एक दिन में 4-5 घंटे में आराम से हम बैठेंगे, लाइव क्लास लेंगे और सारा उसमें डिस्कस करेंगे ताकि आपका सारा रिफ्रेश हो जाए 5-6 घंटे में बैठ के। ठीक है, और साथ में मैंने एक और चीज बोली है कि एग्जाम से एक हफ्ता पहले भी हम एक मैराथन सीरीज चलाएंगे। पहले क्या करेंगे, एक हफ्ता पहले हम डेली कुछ कुछ पोर्शन, यानी कि अगर 5 दिन है तो 20-20% सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जब वो डिस्कस हो जाएगा तो देन ऑन द 6th डे हम एक एक दिन का लेक्चर रखेंगे जहां पे एक दिन में हम सारा कवर करेंगे। ठीक है, ताकि आपकी ये 30 मार्क्स में 30 आ जाए और कोई गुंजाइश ना बचे। दैट यू कैन डिस्कस विद द रिस्पेक्टिव फैकल्टी। ठीक है, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन फॉर मी ओनली। इट्स माई प्लेजर बेटा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और साथ में ना मैंने एक वीक टू वीक ना एक मैं आपको एक रोड मैप जो हमने जैसे अभी तक पढ़ ली है, हमने कंसेप्ट पढ़ लिया ना जितना, उसका मैं आपको एक 2-3 पेज में क्रिस्प चार्ट बना के दिया करूंगा। ठीक है, जितना हमने अभी पढ़ लिया है, जैसे लेट्स सपोज हमने अभी ट्रांजेक्शन वर्सेस इवेंट 12 कंसेप्ट और कुछ हमने टर्म्स देखी हैं, तो इन टर्म्स को अगर आपने 5 मिनट्स में देखना हो तो उसमें क्या कैसे कर सकते हो, वो मैं आपको एक चार्ट बना के दूंगा जो 1-2 पेज का चार्ट होगा और उसमें पूरे हफ्ते की स्टडीज कवर हो जाएंगी। वो मैं खुद बना रहा हूँ हैंड रिटन। ठीक है, तो वो मैं खुद बना रहा हूँ, थोड़ा उसमें टाइम लग रहा है क्योंकि मेरी प्रैक्टिस भी होती है, तो उस हिसाब से थोड़ा मैं टाइम थोड़ा कम मिल पा रहा है। जैसे तैयार होता है वैसे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जिसको मैं बोलूंगा एक बर्ड्स आई व्यू मिल जाएगा आपको पूरे वीक का। ठीक है, जो हमने पूरे हफ्ते में पढ़ा उसको आप 5-10 मिनट में रिवाइज कर सकोगे। ठीक है, और इस तरह बनाएंगे कि उसमें हर चीज कवर हो जाए ताकि एग्जाम डे पे भी जब इतना सिलेबस हमारे पास हो हम उसको सिर्फ उसी को देखें और हमारा सब कवर हो जाए। ठीक है, ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं, मैंने इसको ट्राई किया है, तो जैसे तैयार होता है मैं आपको एक फर्स्ट एग्जाम्पल दे दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली संडे को मैं आपको एक चार्ट दे दूंगा। ठीक है, संडे को जो मैं आपको चार्ट दूंगा एक बार आप उसको देख लो और मुझे बता दो कैसा लग रहा है। ठीक है, हम उसको कंटिन्यू करें कि नहीं करें। ठीक है, तो आपको बेनिफिट होना चाहिए बाकी उसमें। ठीक है, अविनाश सब ठीक हो जाएगा, अभी तो मेरे 3 लेक्चर हुए हैं, 3 या 4 हुए हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, करवा देंगे। ठीक है, देख तू एमसीक्यू पे फिर इवेल्यूएशन कर रहा है, तू बोल रहा है मुझे 71 मार्क्स आए हैं, तूने पढ़ाई की है अभी, 3 लेक्चर हुए हैं फिर भी तूने 71 मार्क्स ले लिए। जो पढ़ाई होती है वो स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि 3 लेक्चर पढ़े और आप, YouTube से नहीं पढ़ना होता, YouTube से पढ़ाई थोड़ी होती है। YouTube पे गाने सुनो बस, YouTube पे गाने सुनो बस। हाँ ठीक है, पहले एक बार पूरी प्रिपरेशन करो, फिर उसके बाद आप उसको देखो, फिर MCQ सॉल्व करो, फिर जाके अपनी इवेल्युएशन करो। इतनी जल्दी कोई टेंशन नहीं लो। ठीक है, फटाफट सब कुछ नहीं होता, आराम से करो, पहले पूरे लेक्चर पढ़ो, 30 दिन का समय दो, उसके बाद आप अपनी इवैल्यूएशन फिर करो।
अभी एमसीक्यू करने शुरू हो जाएंगे, तो मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ लेक्चर पहले पूरा पढ़ो, ये नहीं करो कि आपने 3 लेक्चर पढ़ लिए तो चलो एमसीक्यू ट्राई कर लेता हूँ, देखता हूँ कहाँ पहुंचा हूँ, कितने पानी में हूँ। और अगर उस एमसीक्यू में बाई चांस तुम्हारे 115 आ गए, तुम तो हवा में ही हो जाओगे, क्योंकि मेरे तो 115 आ गए, मेरे को तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पहले एक बार सारा पढ़ लो, रिविजन करो, अपना मटेरियल हैंड रिटन बनाओ, फिर तैयारी करो और फिर एमसीक्यू करो। एमसीक्यू कम्स लास्ट। मैं तो एमसीक्यू पढ़ता ही नहीं था, सिर्फ कॉन्सेप्ट, फिर कोई भी एमसीक्यू ले आओ हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, हाँ चलो, ऑल द बेस्ट। सैटरडे को मिलते हैं और संडे को मैं आपको चार्ट दे दूंगा। ठीक है, यस अनायत, यस दैट्स गुड। ठीक है चलो, ओके, थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।